3.6%, ठीक है। तो बेटे बात को उसने कहा रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग कौन सी है। तो फिर टोटल अपन मानते हैं बेटे बात की टोटल कंपाउंड कितना होगा, 100%। अगर 100% टोटल है तो टोटल में से बेटे बात अपने ये देख रहे हैं, बेटे बात करें कार्बन कितना आ रहा है, कार्बन 57.8 है, बेटे बात का हाइड्रोजन क्या 3.6 है। तो बेटे बात की टोटल होगा उसको 100 में से माइनस करो तो ये कितना आ गया, 39.6% बात कर, बस समझ पाए। अब जो परसेंट है उसको अपन क्या मान लेते हैं, बात का वेट मान लेते हैं, क्या कंसीडर करते हैं वेट, मतलब वो पूरे बात के हमारे पास क्या आ गया, जो पूरे बात यही एटॉमिक वेट आ गया, इतना समझ गए ये एटॉमिक वेट आ गया। अब इस वेट को जो परसेंट है वही क्या कहलाता है, बेटा बात कर एटॉमिक वेट कहलाता है। इसका मतलब टोटल कंपाउंड कितना था, जल्दी बोलो पूरे बात कर, टोटल कंपाउंड 100 ग्राम होगा। अगर 100% अपन मानते हैं जो कि उसने क्वेश्चन परसेंट दिया था, दो क्वेश्चन में होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पूरे वर्क के एलिमेंट से बना है, इस कंपाउंड में पूरे कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट, ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ऑक्सीजन जो उसने दिया उससे पूरा बाकी बचा हुआ क्या ऑक्सीजन, तो टोटल हमें 100% बना। तो अब जब मुझे पता है कि बेटा बात करें क्वेश्चन हमेशा मोल के टर्म में सॉल्व होते हैं, क्योंकि पूरे वर्क केमिस्ट्री फिजिक्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है मोल, तो मुझे मोल निकालना। अब परसेंट से मोल कैसे निकले, मतलब पूरे वर्क की जो परसेंटेज है वही पूरे बात करके वो वेट है, क्या बेटा बात का वेट है, तो स्पष्ट जो किसमें कंसिडर करना है वेट में, बस समझ पा रहे हैं। तो ये क्या दे रखे एटॉमिक वेट दे रखे, अब एटॉमिक पूरे बात गिवन वेट दे रखे ना, गिवन वेट हो गया, ये जो दिया है वो क्या बन गया बेटा बात का एटॉमिक वेट, वो क्या बन गया गिवन वेट, ये सारे के सारे क्या बन गए जल्दी बोलो, ये बन गया बेटा बात का गिवन वेट। अब गिवन वेट से बात मुझे क्या निकालना, मोल निकालना, क्या निकालना मोल, तो मोल पूरे बात में थर्ड स्टेप देखो, सबसे पहले आप बेटा बात करें क्या करो, सबसे पहले एटॉमिक उसका परसेंटेज, जो परसेंटेज है उसको मेरी बात कर वेट मानो, वेट मानने का तुमको मोल्स भी मानो, मोल्स का फॉर्मूला अच्छे से पता होना बेटा बात करें क्या होता है, एन स्पष्ट यदि वो एन स्पष्ट क्या होता है गिवन वेट अपॉन वेरी गुड मॉलिक्यूलर, तो मॉलिक्यूलर वेट है ना, तो एटॉमिक वेट की बात करें एटॉमिक वेट याद रहे अपने लिए, एटॉमिक वेट आपको जैसा लिख सकते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है। अगर अपन देखें उसके बाद हमारे पास कि जो मोल्स वो कैसे है, वेट के तो दे रखा 57.8, ये था हमारे पास कार्बन का मतलब बात करें था एटॉमिक वेट क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक गिवन वेट क्या था 3.6, एटॉमिक वेट क्या होता है हाइड्रोजन का, उधर बात करें ऑक्सीजन की बात करो कितना होगा गिवन वेट 38.6, उधर बात करें ये वेट अपन एटॉमिक वेट क्या होता है बेटा बात करें 60 डिवाइडेशन करो उधर बात करें मोल कितना है, अगर अपन 12 से करें 12 से बात करें तो राशि को डालें सर उधर बात करें 4.9 है, उधर बात करें 4.9 कितने बचे बेटा बात के हमारे पास, उधर बात करें कितना है कुछ पाए 9 आ गया, 9 को उधर बात करें टाइम पॉइंट लग गया, अरे हां किया
उस मोल को प्रवाद कर लेकर के सबसे छोटे नंबर के डिवाइडेशन किया तो वो क्या आ गया, जल्दी आ जाओ फटाफट, उसका रेशियो कितना है प्रवाद कर बताओ, 4:3:2 का रेशियो आया, अरे आया कि नहीं आया, ये प्रवाद कर कहानी। अगर आपको लगता है ऐसे नहीं चाहिए मुझे तो ऐसे कर लो, 4.8 अपॉन सबसे छोटा क्या है 24 हमने बात कर रहे हैं, 3.6 अपन क्या बेटा बात करें 24 और 2.4 अपन क्या बेटा बात करें 24। अरे समझ में आ रहा है, इस तरीके सबसे छोटे का भाग होगा, मतलब सबसे क्या ना 2.4 था कि नहीं था, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 24 18 20 कितना भाग गया बेटा, बुरे बात कर अभी तो नहीं कटेगा, इसको 12 से करो, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैसे लोगे ना, 12 2 24 12 3 36 और 12 2 24 3/2 हो गया, इसको गुण कर दो, पॉइंट से पॉइंट कैसे लोगे, जल्दी बोलो कितना 12। पर हमने बात करी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिला वो क्या मिला, कार्बन 2 मिला, हाइड्रोजन बेटे बात करें 3/2 और ऑक्सीजन कितना मिला बेटे बात करें 1 मिला। पर आपको पता है कि पूरे बात करें हाइड्रोजन जो है वो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में तो बेटा वो थी हाइड्रोजन डेढ़ कैसे हो सकता है, 3/2 का मतलब डेढ़ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन 1 हो गया तो 2 होगा, तो बुढ़े क्या करें इसको कंप्लीट कर देने की बात को, मतलब होल नंबर को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसका मतलब किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो ताकि नीचे का 2 कैंसिल हो जाए, तो नीचे का 2 कैंसिल करो तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करो, लेकिन केवल 2 में थोड़ी करो, करो तो आपको सबका पड़ेगा, जिसका भी मल्टीप्लाई करो उनका तीनों में करो, मतलब एक जगह पूरी बात करें सभी में 2 का मल्टीप्लाई करो, अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रेशियो आ जाएगा पता है, सी कितना के बेटा 2 2 करो कितना है 4, हाइड्रोजन कितना के बेटा बात करें जल्दी बोलो, हाइड्रोजन पूरे बात करें 2 पूरे बात करें 2 से 2 कैंसिल करो ना, ऐसा आ जाएगा ना 2 × 3/2 2 से 2 चला गया तो कितना आ गया H3 आ गया, अरे फिर 6 करो 6/2 करोगे कि नहीं करोगे तो 3 बचेगा, और हाइड्रोजन कितना के बेटा बात करें 1 × 2 करो कितना आ रहा है 2, ये हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या पूरे बात करिए रे सुनिए आ रहा है, तो चाहे तो यहाँ से कर लो चाहे तो बाहर से करो, मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे हो सकता है तो ज़्यादा सही है ठीक है, नहीं तो फिर वो तो एकदम सही है, सही तो दोनों ही है, आपको जैसे सही लगे वैसे ही, इसमें आपके कर क्या है पता है, सबसे पहले परसेंटेज लिखा है, फिर मुझे बात कर उनका कहने का हमने मोल निकाला, जो परसेंटेज है उसको हमने क्या माना, उसको डिग्री वेट क्या माना, एटम वेट पर डिवाइड करो क्या निकाला मोल, मोल अगर उनके बात कर सिंपलेस्ट रेशियो में है तो उसका मतलब फिर कोई जरूरत नहीं बांटने की, अगर सबसे छोटे आ रहा है इसके लिए 1:2:2 बना जाता है, उसको छोटे और कर नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पे कितना रहा बेटा बात करें 4:8:3:6:2:2, अब उनके मतलब इसको छोटे नंबर हम डिवाइड कर सकते थे तो हमने सबसे छोटे नंबर का क्या करके सबसे डिवाइड मार दिया, जैसे डिवाइड मारा तो पता चला हाइड्रोजन तो बेटा बात फ्रैक्शन में चला गया, और फ्रैक्शन में अगर नहीं जा रहा तो यही सिंपल ऐसे होता है, बात समझ में आ रहा है क्यों, अगर सोचो ये 3 आ जाता तो इसका मतलब इसको छोटे नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते थे, अगर 2 पैसे में डिवाइड करते तो 1 हो जाता, फिर 3/2 हो जाती 1/2 हो जाता, इसका मतलब यही सिंपल नहीं होता, पर हुआ क्या यहाँ बेटा बात करें 3/2 आ गया हाइड्रोजन, तो जो उसका फ्रैक्शन था मुझे फ्रैक्शन से क्या बना था उसको होल नंबर, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ भैया कि ताकि ये होल नंबर बन जाए, तो अपने देखा नीचे 2 है बेटा, नीचे 2 है तो उसको ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें करें कि सब में करें, सब में करोगे क्योंकि भैया 2 कार्बन के साथ 1.5 हाइड्रोजन आ, तो मुझे ये पता चल गया कि 4 कार्बन के साथ कितने 3 हाइड्रोजन आ, वो जो देखिए ना अगर 2 के साथ कितने आ रहे थे ये 1.5 आ रहे थे, 2 के साथ ही 1 आ रहा था, तो जब उनके बात करें इसके क्या करता है डबल किए मैं 1.5 से कितने हो गए 3, ये 3 हो गए तो ये भी कितने हो गए 4, और ये भी कितने हो गए 2 हो गए, वो भी समझ में आ गया, इसको बोलते हुए बात करें क्या हेल्थी, ये क्या है इसका मतलब नहीं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे चीज आ जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें फॉर्मूला क्या होता है बताया था मुझे n × m फॉर्मूला, आप बोलो कि n तो लिखो जरा एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दीदी बात कर रहे हैं लिख दो कितना है C4, अरे बेटी ये आए कि नहीं आया, एच मेरे बात करें कितना आया जल्दी बोलो H3 और O2 ये आए कि नहीं आया, नहीं आया क्या दीदी, n की वैल्यू कितनी आई ये है क्या टेम्परेचर फॉर्मूला, अब बुरे बात क्या अगर मुझे चाहिए बेटा बात करें क्या जल्दी बोलो मुझे क्या चाहिए n चाहिए, n कैसे निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेटा बात करें एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, या बुरे बात करें मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ पाए एम्पेरिकल फॉर्मूला में बेटा बात करें ये बेटा बात करें क्या मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट तो नहीं दे रखा है पर एम्पेरिकल वेट तो लिख लो आप, हाँ लिख सकते हैं, 1 कार्बन में कितना आएगा बेटा बात करें बोलो कितना आएगा 12 × 4 में कितना आएगा 48 बहुत बढ़िया, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 3 का 3
मेरोक्सिन का 60 का टोटल कितना हो गया 2, 3, 5 एमपी डबल करके 83 आ गया, कितना आ गया 83 आ गया, 83 लगा था। मॉलिक्युलर वेट चाहिए मुझे, वो तो है, तो कोई ना मॉलिक्युलर वेट नहीं पता। मॉलिक्युलर वेट कैसे लिखेगा, 2 × वेपर डेंसिटी। क्या मैंने आपको वेपर डेंसिटी दी, हां 2 × वेपर डेंसिटी क्या दे रही, 83 दे रही, उठा के दे रही, ये तो है हमारे पास। ये क्या है मॉलिक्युलर वेट, पैक को मल्टीप्लाई कर रहा है आपको पूरा सिक्योर था कि ये मॉलिक्युलर वेट आ गया, वेपर डेंसिटी दे रही थी 83 2 का मल्टीप्लाई किया मॉलिक्युलर वेट, मॉलिक्युलर वेट को पूरा करो अच्छी अगर मैं करता हूं 2 × 83 83 ये क्या है मॉलिक्युलर वेट, ये क्या है वेपर डेंसिटी, क्या कैसे है ना आखिर 83 से कैसे हो, 1 × 2 करो कितना है 2 का मल्टीप्लाई करो बराबर, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं 2 × 2 पता पूरी बात करें कार्बन कितने हो जाएंगे डबल, अरे कार्बन कितने हो जाएंगे डबल, कितने हो गए कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें इसके आगे कार्बन पे क्या है सी, यदि बोलो 8 कार्बन कितने आ गए बेटा 8, हाइड्रोजन क्या है उसके बाद एच 6 बोलो कितना आ गया, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एम्पिरिकल फॉर्मूला है सब कुछ निकल के आया, क्या तक चीज बस समझ में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से बात करते हैं समझ, अरे आगे क्या एकदम सारा क्वेश्चन के वाक्य से क्वेश्चन बनते जो मैं अभी एक लास्ट टाइम करने चाहता हूं इनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के वाक्य करने का तरीका क्या है बेटी बात करें कि सबसे पहले जो उनके बाद कॉर्निक कंपाउंड दे रहा है उसमें जो एलिमेंट दे रहे हैं उसके जो पसले दे रहे हैं उनके बाद फिर सभी एलिमेंट को एक साथ लिखो, जो दे रखे उनको लिखो उसमें के बाद बाकी जो ऑक्सीजन रिमेनिंग है तो 100% 100 मारेंगे ना 100 में से जो उनके बाद कार्बोहाइड्रेट का उसको जोड़ के माइनस करो आपका ऑक्सीजन बचेगा, जो परसेंट है उसी को उनके बाद का अपने क्या मान लिया वेट उससे उनके बाद का क्या निकालेंगे बेटा बात करें उससे निकालेंगे अपन मोल, अब मोल को अगर सिंपल रेशियो में उसको चेंज करने की जरूरत है लेकिन अगर सिंपल रेशियो में नहीं है तो उनको बेटा बात करें किसमें लिखेंगे सिंपल रेशियो में, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला पर क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं सिंपलेस्ट के बाद का रेशियो या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एटम लिखते कि लिखते हैं, तो इस तरीके से मुझे सिंपलेस्ट फॉर्मूला को ले जाना था मतलब सबसे छोटे के बाद का जो तीनों का मोल आए उसमें सबसे छोटे मोल का तीनों डिवाइड करो समझ पा रहे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा, अगर ये सिंपल सू फ्रैक्शन में है उसको बोले कि किसी प्रॉपर नंबर से मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी तुम्हें करना पड़े वो करो उसको बोले बात के फ्रैक्शन से किसमें लेके आओ होल नंबर में, इसलिए अपन उस वर्ड को रिफाइन करते याद है डेफिनेशन में होल नंबर रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल एलिमेंट बोले बात करो ऑफ एनी वन कंपाउंड इन एनी बोले बात कर समझ पाए बोल के क्लियर आ रहा है ठीक आ जाएगा गुड गुड फटाफट।